स्वतंत्रता के भावना कर रहे हैं। तमाम प्रकार की भाषा जितनी भाषा होती हो सकती वो सारी भाषा बोली, लेकिन विभाग के साथ कहना पड़ा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का जो हालत देखने को मिल रहा है और जो गत हो रहा है उसे देखकर शायद आपको भी थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं आएगा कि इतने बड़े मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो के यात्रा में शामिल है, उनके साथ और भी नेता है, लेकिन उस यात्रा का आप हालत देख लेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में शायद कोई खेला हो रहा है या फिर जनता बहुत बड़ा खेला करने वाली है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हुआ था। आप इन तस्वीरों को देखिए जो मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें आपको अनुराग सिंह ठाकुर देखेंगे, तुलसी सिलावट है, बीजेपी के इतने बड़े बड़े मंत्री, और उसके बाद इस यात्रा का हालत देख लीजिए। तो यात्रा में भीड़ ही नहीं है, सड़कों पे एक तरफ देखेंगे आपके लोग, एक दो लोग है जो झंडे लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं इस यात्रा का लोग जो है वो मजाक भी बना रहे, क्योंकि यहाँ पे जन है ही नहीं, लेकिन नाम दिया गया जन आशीर्वाद यात्रा। उसके बाद आप देखिए कि इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पे एक सभा भी चल रही है, सभा में कितने लोग बैठे हुए, ये जरा आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले क्या वहां की जनता ने क्या मन बनाया है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इन तस्वीरों से समझ में आ रहा है, लेकिन आप इन तस्वीरों में आपको देखने के ये मिलेगा कि जिस यात्रा को बहुत बड़ा और भव्य बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस यात्रा में लोग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, और ये मध्य प्रदेश चुनाव से पहले की ये तस्वीरें है। अब चुनाव में इसको लेकर क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जनता ने किस तरीके का मन बनाया है, क्योंकि जनता का मन है अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो इस यात्रा में भीड़ होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस यात्रा में लोगों का भीड़ ही नहीं है। ये यात्रा निकालने से पहले इस यात्रा के बारे में कहा गया था कि जिस दिन ये यात्रा सफल होगा उस दिन मध्य प्रदेश में समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, फिर से सरकार बन गई, लेकिन इस यात्रा को आप देखेंगे कि सफल होने का कोई भी चांसेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर तरफ चेयर कुर्सी खाली दिखाई दे रही है और ना ही यात्रा में आपको भीड़ दिखाई दे रहा है। के मिश्रा ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, लिखा है, सेवानी में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की मौजूदगी, खिलचीपुर की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब ऐसी तस्वीरें और वीडियो को देखकर लोग ये पहले से अंदाजा लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को, जो यात्रा आपको देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।